हाँ बोलिए। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किससे हो रही है? सुमन गई से। ओके, सुमन गए। धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। सुमन जी, कॉलेज आपके कंप्लेन स्प्लिट के रिलेटेड करते राइट? तो सही से मैं आपसे बात करने के लिए। हाँ बोलिए। एक काम कीजिए ना मैम, एक काम कीजिए, आप 10 साल बाद हमको दीजिए। इतना काहे लेट कर रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा लेट कर लेते तो अच्छा रहता। 10 साल बाद दीजिए, 2015 में दीजिए। इतना ज्यादा जल्दी क्यों दे रहा है? उतना जल्दी नहीं है हमको, 50 साल बाद लेने से हो जाएगा मेरा काम। मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए सुमन जी, मैं फीडबैक शेयर करती हूँ सेलर को, आप प्लीज वेट कर लीजिए। एक मिनट मैम, वो जो प्रोडक्ट है कब ऑर्डर किया था आपको? 4 अगस्त। 4 अगस्त, और आज कितना तारीख है? 17 है। हाँ, तो कितना दिन हो गया सर? मैम मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं एक मिनट, कितना दिन हुआ? ऑलमोस्ट अब हो जाएगा 15 डेज। 15 डेज, और आप कब दीजिएगा हमको? ऑन और बिफोर 27 पे डिलीवर हो जाएगा। 24 यानी 24 तारीख। 27 सत्ताईस 27 तारीख, और कितना दिन है 27 तारीख होने में? अभी ऑलमोस्ट अ वीक से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास हो रहा है, 1 महीना। समझ रहे आपके साथ? नहीं, एक काम कीजिए ना, हम कल रात को आप लोगों से बयान भी लिखा दिए, एक कंप्लेन है मेरा, देखिए कंप्लेन है आप लोगों का वहां पर। जी सुमन जी, एक कंप्लेन है, देखिए एक कंप्लेन नोट करा हुआ है। अपने इसी के रिलेटेड हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए कंप्लेन देखिए ना, पहले सिस्टम को चेक कीजिए ना मैम। मैंने चेक कर लिया, आपने वो फ्लिपकार्ट मीटर टेप से रिलेटेड आपने कंप्लेन किया था। टेप रिलेटेड? वो जो आपको टेप मिला था फ्लिपकार्ट टेप, हाँ मीटर रिलेटेड, लास्ट टाइम रॉन्ग आपने बोला था कि आपको डिलीवर नहीं हुआ है, एंड में आपको डिलीवर हुआ था। हाँ, इसके बारे में बात कर रही है? कौन सा ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं आप? पहले वो डिसाइड कर, फ्लिपकार्ट सिक्योरिटी के बैग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑन और बिफोर 27 अगस्त आपको डिलीवर हो जाएगा। हमको आज डिलीवर करवा पाते हैं, इसी हिसाब से हम कल रात को कंप्लेन डाले थे, ठीक है? अपने कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन मैं आपको सीओ एस्केलेशन से कॉल कर रही हूँ अभी। हाँ, एक बात जान लीजिए, आज डिलीवर करवा पाते हो तो ठीक है, नहीं तो सिक्योरिटी बैग भी आप रख लीजिए, रुपया भी रख लीजिए, और हमको एक ऑथराइजेशन लेटर दीजिए। हम कोई भी सामान फ्लिपकार्ट में जो ऑर्डर रहेगा उसको हम कोई सिक्योरिटी बैग किसी में पार्सल नहीं करके, वो जो बंदा पिकअप के लिए आएगा उसको डायरेक्ट हैंड में हमको देना है, वो लोग पैकेजिंग कर लेगा। देखिए मैं एश्योर करना पड़ेगा कि नहीं, ये जो सामान है हमको इमरजेंसी सामान है। पहला बार नहीं हो रहा है मैम। एक बंदा को इसका मतलब हम जो लोग सेलर हैं, जो लोग सेल्स करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट सेंड करते हैं वो कम से कम 50 दिन बाद पहुंचता है। 50 दिन बाद पहुंचता है। रिलेटेड मैं फीडबैक शेयर कर दूंगी सेलर के साथ। क्लियर करने का कोई जरूरत नहीं है मैम, आप सुन लीजिए, आपका कॉल रिकॉर्ड पे है ऑलरेडी, जो अनपसनक बात कर रहे हैं ना इतना देर से वो रिकॉर्ड पे है। मैं कोई आपको अननेसेसरी बात नहीं कर रही हूँ, एज पर द प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वेट करना है। मैं आपको कोई सेफ एश्योरेंस नहीं दे सकती। तब हमको डिलीवर नहीं चाहिए, आप पैसा भी रख लीजिए। और 27 अगस्त आपको डिलीवर हो जाएगा। हम क्या करें उस दिन लेके हम घर मरवाए? 27 तारीख को लेके हम घर मरवाए?
हम 4 तारीख को क्यों ऑर्डर किए थे? आप लोग 16 तारीख को ऑर्डर करने के लिए क्यों बोले थे डिलीवर्ड हो जाएगा? कुछ इश्यू के वजह से वो क्या वो आपका इश्यू आपके पास रखिए ना, हमको क्यों सुना रहे हैं, हमको क्यों सुना रहे हो इशू? आपको मैं वही बता रही हूँ, वही बताने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक बंदा को अमेरिका से यहाँ तक इंडिया मेरे घर तक आने में 1 महीना नहीं लगता है, कौन सा इशू है बोलिए? वो इशू आपको बोलना पड़ेगा, अभी तक लॉकडाउन की कर रहे हैं ना, इशू बोलना पड़ेगा बाय कॉल, और एक कॉल सोशल मीडिया पर जाएगा, ये भी जान लीजिए जो आप बोलिएगा वो सोशल मीडिया पर जाएगा, हाईलाइट भी होगा। वो आपके राइट है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इशू की वजह से डिलीवर नहीं हो पाया है, वो इशू आपको बोलना पड़ेगा, वो अभी बोलना पड़ेगा आपको। इंटरनल इन्फॉर्मेशन होता है, रियली सॉरी, हम आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों 16 तारीख को डिलीवर नहीं किया वो आपने? तब इसका मतलब आप अपना इंटरनल आपके पास है, इसका मतलब हुआ आप अपना इंटरनल मैटर अपने अंदर सॉल्व कीजिए। तो इसके अंदर हम क्यों हैरेज हो, हम क्यों हैरेजमेंट है, हमको क्यों हैरेजमेंट कर रहे हैं आप लोग, वो बोलिए आप अपना इंटरनल मैटर नहीं बता पाते ना, बता नहीं सकते ना, इसका मतलब हमको क्यों हैरेजमेंट कर रहा है? आप अपना इंटरनल मैटर समझिए, तो हमको क्यों हैरेजमेंट कर रहे है? हमको 16 तारीख को डिलीवर चाहिए था, 17 तारीख हो गया, 17 अगस्त 2021 हो गया, अभी भी डिलीवर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये नहीं कर पाता तो तब अपने अपने इंटरनल मैटर नहीं बता पाते तो हमको, तो आप समझिए मेरा माल डिलीवर 16 तारीख को क्यों नहीं किया, क्यों डिलीवर नहीं हुआ? वो जो वही अनाथ बकना बंद कीजिए, आप अनाथ शराब बकना बंद कीजिए, आप इंटरनल मैटर नहीं बता पाते तो 16 तारीख को क्यों नहीं डिलीवर हुआ, ये बोलिए। वही मैं बता रही हूँ, वो डिलीवर नहीं हो पाया तो प्रॉमिस डेट चेंज हो चुका है सेलर के साथ, आप समझिए ना, सेलर को आप समझिए, हम सेलर को नहीं पहचानते, हम सेलर से नहीं खरीदे, आपसे खरीदे हैं। फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता, तो सर्विस प्रोवाइड करता तो इसके लिए आपको प्रॉफिट होता है, हमको तो प्रॉफिट नहीं देते हैं ना, आप अपना बिजनेस करते हैं ना सर मैम, आप प्लीज वेट कर लीजिए, हम वेट नहीं कर सकते हैं, हम वेट नहीं कर सकते, आपको ऑथोराइजेशन लेटर देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो घर में रहने के लिए बैठे हैं वहाँ पर, आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते, आप हाँ बोलिए, आई विल फोर्सफुली डिसकनेक्ट द कॉल, क्यों क्यों किस लिए, किस लिए किस लिए किस कारण से डिस्कनेक्ट कीजिएगा वो बोलना पड़ेगा आपको, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे बात कर रहे हैं बोलिए, हम कैसे बात कर रहे हैं बोलिए, हम प्रोफेशनल लैंग्वेज कर रहे हैं ना, आप अनप्रोफेशनल जो काम कर रहा है उसका क्या, उसका क्या, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको, आपको जवाब देना, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए, क्यों किया आपका इन्फॉर्मेशन आपके पास, आप बोल रहे थे आपका इंटरनल मैटर, आप अपना इंटरनल मैटर रखिए ना, आप सेलर से कहा क्या कर रहे हो मेरा को जानना नहीं है, आपका इंटरनेट मैटर नहीं जानना है, हमको डिलीवर नहीं क्यों नहीं मिला, आज हमको डिलीवर चाहिए, 16 तारीख को डिलीवर होना चाहिए था, डिलीवर करवाइए आज 17 तारीख को, अर्जेंटली डिलीवर, नहीं नहीं सॉरी से नहीं, आप अपना इंटरनेट मैटर रखिए ना, आप अपना इंटरनेट मैटर आपका सॉरी आपके पास रखिए ना, आप अपना सॉरी अपने अंदर, नहीं कोई कोई सुनना नहीं है, कोई सुनना नहीं है, आप अपना एंटरटेनमेंट में आपका सॉरी आपका दुख आपका भराव आपका आनंद सब आपके पास रखिए, मेरा सामान ना मेरे पास क्यों नहीं है, आज हम नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपका सियोर, आप अपना सियोरिटी अपना सब कुछ अपने पास अपना एंटरटेनमेंट मैटर आपके पास रखिए ना, क्यों मेरा रुपया लेके मेरा सामान नहीं दिया, मेरा रुपया क्यों खा गया तो बोलिए, मेरा जो काम था मेरा जो दिक्कत हुआ जितना लॉस होगा वो कौन देगा,
ओ बोलिए फीडबैक कीजिए ना, आपका एंटरटेनमेंट किस शेयर कीजिए, आपका फीडबैक शेयर किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बोले थे ना आपका इंटरनल मैटर है, आप बता नहीं पाते तो आपके पास रखिए ना, मेरा सामान मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा, अभी पहुंचाइए। वो सब बात नहीं सुनना है हमको, वो सब बात नहीं सुनना है। आप अपने इंटरनल बुढ़क समझ के रखे या चूतिया बना रहा है हमको, हमको चूतिया बना रहा है। आप